लोकतंत्र का पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव, राष्ट्र का चुनाव, देश में सातवें चरण के चुनाव 1 जून को चंडीगढ़ में होने वाले हैं। चंडीगढ़ के वोटर पर इन इलेक्शन का नशा अब सर चढ़कर बोलने लगा है। वे बेबाक बिंदास अपने प्रत्याशी के हक में बोलने लगे हैं। अर्थ प्रकाश की टीम ने, हमारे संवाददाता खुशविंदर धालीवाल ने कोशिश की है कि जमीनी स्तर पर जाकर इन लोगों से जाना जाए कि वो केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं और चाहते हैं कि चंडीगढ़ में कौन जो होगा उनका एमपी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं खुशविंदर सिंह। हम चंडीगढ़ के मतदाताओं के बीच पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका मूड कैसा है, वो चंडीगढ़ के प्रत्याशियों को किस तरह से देखते हैं और केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं। शर्मा जी, केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सर, हम तो मोदी की देखना चाहते हैं। नहीं सर, अभी कांग्रेस का भी लग नहीं रहा, अभी राहुल गांधी के अकॉर्डिंग। किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ। और कांग्रेस क्यों नहीं? मोदी सरकार तो अच्छी दे रहा है। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी का ही ना। तो केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार। केंद्र में किसका सरकार? बीजेपी मोदी जी। सेंटर में किसका सरकार देखना चाहेंगे? गठबंधन। गठबंधन। और बीजेपी क्यों नहीं जी? बीजेपी, आपने चंडीगढ़ का हाल देखा कि जहाँ एक मेयर के इलेक्शन के लिए इन लोग कितना घपलाबाजी किया, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्लियर हुआ। बलजीत सिंह जी, केंद्र की सरकार देखना चाहोगे? हाँ जी, कांग्रेस। केंद्र में किसकी सरकार देखना? राहुल गांधी जी कांग्रेस। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मोदी। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखो जी, हम तो पहले से ही कांग्रेस ही थे और जीते चाहे कोई पार्टी, वोट हमेशा कांग्रेस को ही देते हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस ही है जी। केंद्र की सरकार देखना चाहोगे? मोदी। सेंटर में कौन सी सरकार देखना चाहेंगे आप? आई वांट चेंज, नथिंग एल्स। जी, चेंज में कोई हो विकल्प हो, आम आदमी पार्टी, आम में मिक्स आ जाए, कोई इंडिया आ जाए, कोई प्रॉब्लम, चेंज ऑलवेज बेटर। सुरजीत जी, सेंटर की सरकार देखना चाहोगे? कांग्रेस की। सेंटर में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन। अब केंद्र की सरकार देखना चाहोगे? देखो, मैं तो चेंज ही देखना चाहूंगा, बिकॉज आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमेशा चेंज आना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मोदी की। सर, किसकी सरकार देखना चाहेंगे केंद्र में? कांग्रेस। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी का। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी। केंद्र की सरकार देखना चाहोगे? ऐसा जी, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन में बढ़िया काम कर रही है? बिल्कुल बढ़िया जी। बीजेपी ने तो पट्ठा पठा दिया पंजाब का पूरे का, ना कोई मोदी ने फंड दिया पंजाब वास्ते, नहीं पहला मनमोहन जी था, मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी ने बनाया था वो कांग्रेस का, बधेरा फंड दिया पंजाब नु। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी सरकार देखना चाहूंगा। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कांग्रेस ही ठीक है, मोदी जी से तो आप बस। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी। केंद्र में किसका सरकार देखना चाहेंगे, गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी। केंद्र में किसका सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी का सर। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मोदी की सरकार होनी चाहिए। गठबंधन का क्यों नहीं? गठबंधन का सर, वो कभी भी पैर खींच लेंगे, कभी भी टूट सकता है। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी का। सर, सेंटर की सरकार देखना चाहोगे? फिलहाल बदलाव कांग्रेस देखना चाहते हैं। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी का सर। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी का। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी। केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में सरकार जी बीजेपी की रहे, जैसे रह रही है, पहले भी 2 बार में आ चुकी है उनकी सरकार और इस बार भी उन्हीं की सरकार आई। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया का नाम जो है इंडिया में और बाहर में अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी अगर बीजेपी गवर्नमेंट ही इस बार आती है। कांग्रेस के पास सर अभी कोई ऐसा फेस नहीं दिखा है, मतलब जो मोदी जी के बराबर में एक बार खड़ा हो पाए। 4 जून को क्या होने वाला है, किसके सर सजेगा ताज, ये तो भविष्य के गर्भ में है। कहने का मतलब यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चंडीगढ़ के वोटर्स को, चंडीगढ़ के मतदाताओं को अर्थ प्रकाश टीवी की यह अपील है, ये खास अपील है कि जब भी चुनाव के बारे में बात करें तो प्लीज कृपा करके अपने ऊपर संयम रखें, सौहार्द्य बनाए रखें, क्योंकि चुनावी बुखार चंद दिनों का है। जो लोग हैं वो आपके अपने हैं, चंडीगढ़वासी आपके अपने हैं, अपने मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंधु हैं। बातचीत करते समय मर्यादा का उल्लंघन ना करें, क्योंकि चंडीगढ़वासी आपके अपने हैं। धन्यवाद।